नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। इस तपती दोपहरी और चढ़ते हुए तापमान में आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो सोचिए अस्पताल के इन मरीजों और उनके परिजनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। दरअसल हम परेशानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में इस भीषण गर्मी में परिजनों के साथ खुद मरीजों को पानी के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। समस्या अस्पताल के वार्ड नंबर 19 व 20 में दिखाई पड़ी। कोई छोटे बच्चों के साथ है तो कोई अपने बीमार परिजन को छोड़कर पानी की तलाश कर रहा है। आपको बता दें मरीज यहां एक सप्ताह से पानी के लिए अस्पताल के दूसरे वार्डों में भटक रहे हैं। खाना खाया है, पानी नहीं है, इसलिए खाली डब्बर धर के फिर जा रही हूँ। यहीं से तो आती है, आज नहीं, आठ दस दिन हो गए ना, आठ दिन से हो गए, हम तो एक महीना हो गया। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्या समस्या हो रही है? बस पानी नहीं मिल रहा है, कल भी आया था शाम में तो पानी नहीं था, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। गर्मी, बहुत गर्मी है। पता नहीं सर, कल से तो नहीं से नहीं रहा है पानी, इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे पानी नहीं है, सात आठ दिन हो गए, परेशानी होती है। ऊपर पंखा भी नहीं है, मतलब ठंडा नहीं है ऊपर। इसमें 24 नंबर में हूँ, 24 नंबर सबसे ऊपर। हाँ ऊपर भी नहीं, ऊपर भी नहीं है पानी, नीचे भी पंखा है मेरा तो। हाँ ऊपर से पानी के लिए आपको खुद आना पड़ता है? ना मेरा ये है, बंदा है साथ में, वो नीचे मेडिसिन लेने गया है। इस समस्या को लेकर हमने अधीक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने समय ना होने व मीटिंग होने की बात कही। इस लापरवाही से साफ पता चलता है कि अस्पताल प्रबंधन गर्मी में मरीजों को पानी तक की सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहा है। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।